हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बताने वाला हूं दोस्तों, जो मनरेगा का नया ऐप्स जो नया अपडेट हुआ है दोस्तों, तो आप इस तरह से अपने मोबाइल में अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्ले स्टोर में दोस्तों आप नरेगा को सर्च कीजिए, NREGA, या आप नरेगा को ऐसे सर्च करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ऐसा लिख के आएगा जो आपको इसको ओपन करना है दोस्तों। ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ओपन करने के बाद जब इसमें अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है कुछ इस तरह का इसमें लॉगिन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। और सबसे पहले आपको जो है ऊपर जो मास्टर जो है उसको आप डाउनलोड करना होगा आपको। आप और ये मेरा जो है डाउनलोड हो गया है मास्टर दोस्तों, और कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। डाउनलोड मास्टर इशू डाटा लिखा है, फिर व्यू डाउनलोड मास्टर ओले ऐसे लिखा है। फिर इसमें ऐसा सेलेक्ट करेंगे जब, तो ये नीचे कोड बार कोड आएगा। बार कोड को आप उसके नीचे जो है आप क्लिक करेंगे तो ये मास्टर रोल का जो है नंबर है जो दोस्तों, मास्टर रोल आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपको जिसका आपको जो है मास्टर रोल का आपको खोलना होगा तो उनको आप क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये अपना जो है डाउनलोड जब पासवर्ड आईडी डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ऐसा कुछ दिखने के लिए मिलेगा, डाउनलोड मास्टर। तो आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा क्या है कि सर्वर थोड़ा स्लो है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जहाँ भी आप अटेंडेंस जब लगाएंगे दोस्तों, तो वहाँ का जो है 10 मीटर के दायरे में आपको ये सब होगा दोस्तों, खुलेगा। बाकी जगह नहीं खुलेगा दोस्तों। नया अपडेट आया है और मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूर हूँ, जो इसमें दूर होने के कारण जो मेरा नहीं खुल रहा है अभी। इसमें आप जब खोलेंगे तो वर्क कोड लिखा है, इसमें आपको वर्क कोड जितने भी ग्राम पंचायत में काम चल रहे होंगे तो वहाँ पे वर्क कोड आपको दिख जाएगा दोस्तों। इसमें लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड का दोस्तों इसमें दिखाया गया है, जो 10 मीटर के दायरे में आपको ये ऐप्स काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सेलेक्ट वर्क कोड है, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको वर्क कोड आ जाएंगे। फिर नीचे लिखा है मास्टर रोल। अब इसमें है दोस्तों, देखिए कि थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो इसमें लिखा है कैप्चर मास्टर रोल अटेंडेंस, और नीचे लिखा है एडिट मास्टर रोल अटेंडेंस। तो आप उसी तरह जिस तरह मैं अभी बताया हूँ दोस्तों, जैसे अटेंडेंस लगाएंगे तो सेलेक्ट वर्क कोड आपको इसमें डालना पड़ेगा। उसमें इसमें सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे आपको जितने भी काम चलेंगे तो उसका वर्क कोड आपको आ जाएगा। अब नीचे लिखा है दोस्तों एडिट मास्टर रोल अटेंडेंस, नीचे लिखा है और कैप्चर ये अटेंडेंस। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले एडिट में जाते हैं दोस्तों। एडिट में ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे कि आप एक बार अटेंडेंस लगा ले लिए हैं तो उसको आप चेक कर सकते हैं। एडिट का मतलब ये है, उसमें आप जो है अगर कोई अगर गलती से एब्सेंट हो गया है, या तो फिर कोई मान लीजिए किसी का एब्सेंट नहीं लगा है, तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों अब ये देखिए कि अपलोड अप टू नून फोटो है दोस्तों। तो इसमें जब आप दोपहर का जब हाजिरी आप लगाएंगे दोस्तों तो इसमें अपलोड होगा दोस्तों। और इसमें आपको जो है दोपहर के बाद का जो दूसरे टाइम का जो है वो इसमें अपलोड होगा। और ये आप बार कोड है जिसमें आप जिस काम में आप जिस बार कोड में आप जो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ऐसे मास्टर रोल जो है ऐसे आ जाएंगे। जितने मास्टर रोल रहेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, और इसमें आपको सिलेक्ट करके आप इनको दोपहर का जो अटेंडेंस है आप इसको अपलोड कर सकते हैं।
फिर आता है व्यू अपलोडेड अटेंडेंस दोस्तों। तो व्यू इसमें आप जो अपलोड करेंगे उसको आप जो है इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है अपलोड हुए हैं, कि कितने मास्टर जो है अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए हैं दोस्तों, उसमें से आप देख सकते हैं। और इसमें आप जैसे अपलोड कोई मास्टर नहीं हुआ है तो उसमें आप देख करके अपलोड कर सकते हैं। और ऐसे इसमें जितने भी मास्टर होंगे उसमें सब मतलब ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लाइक ज़रूर करना दोस्तों।